हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पा और पुष्पा फूड वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिर्फ दो आलू से 100 से भी ज़्यादा यानी 100 पापड़ बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आलू के पापड़ खाने में भी बाजार के पापड़ से कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए आलू के पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए सिर्फ दो आलू लिए हैं, सिर्फ दो आलू बड़े साइज के लिया है। और सबसे पहले हम आलू को छीन लेंगे और हम इसे छीलने के बाद तुरंत पानी में डाल देंगे। आलू को छीलकर या काटकर ज़्यादा देर बाहर रखने से आलू काले पड़ जाते हैं, इसलिए मैं आलू को छीलकर तुरंत पानी में डाल दी हूँ और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब मैंने सारे आलू को काट लिया है। अब हम इसे दो बार अच्छी तरह से धो लेंगे। और अब मैंने इसे दो बार अच्छी तरह से धो लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका पानी कितना क्लीन है, बिल्कुल साफ है। और अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे और एक मिक्सर जा लेंगे और इसमें कटे हुए आलू को डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से हमारा आलू अच्छी तरह से पिस जाएगा। आलू को तब तक पीसना है जब तक कि आलू का बारीक पेस्ट न बन जाए। आलू के पेस्ट में एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे पापड़ अच्छे नहीं बन पाएंगे। और अब हमारा आलू पीस कर तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम एक पतीला को गैस पर बैठा देंगे और इसमें पिसा हुआ आलू का पेस्ट डालेंगे। मैं इसे मेजरिंग कप से नाप कर डाल रही हूँ। मेरे नाप से पिसा हुआ आलू का पेस्ट 2 कप बनकर तैयार हुआ है। और हम इसी कप से 4 कप पानी डाल देंगे। हाँ, एक बात और, आलू आप 2 के जगह पर 4 या 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं पापड़ बनाने के लिए। 4 आलू डालिएगा तो 200 पापड़ बनेगा, या साइज पर भी डिपेंड करता है। बड़ा साइज के पापड़ बनाइएगा तो थोड़ा कम पापड़ बनेगा, और मेरे साइज के यानी छोटे छोटे साइज के पापड़ बनाइएगा तो 2 आलू में 100 पापड़ बनेगा और 4 आलू में 200 पापड़ बनेगा। और मेरे कहने का मतलब यह है कि साइज पर डिपेंड करता है कि कितना पापड़ बनता है। और ये देखिए, थोड़ी देर पकने के बाद ही हमारा घोल गाढ़ा होने लगा है। और अब हमें इसी तरह से मीडियम आंच पर 20 से 30 मिनट के लिए चलाते हुए पकाना है। और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, अगर आप व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं तो। अब पकाते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और मेरा घोल भी आधा गाढ़ा हो चुका है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। और 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी। जीरा और चिली फ्लेक्स से पापड़ चटपटा ज़्यादा लगता है। अगर आपके बच्चों को सादा पापड़ पसंद है तो आप इसमें जीरा या चिली फ्लेक्स मत डालिए। और अब मुझे पकाते हुए लगभग 1/2 घंटा हो चुका है और अब हमारा घोल पूरा गाढ़ा हो गया है। इसका कंसिस्टेंसी परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, ऐसा होना चाहिए घोल का कंसिस्टेंसी। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और हम इसे ठंडा होने देंगे। इसे चलाते हुए ठंडा करेंगे। ये देखिए, अब हमारा घोल ठंडा हो गया है और हम चलते हैं इसका पापड़ बनाने। तो पापड़ बनाने के लिए हमें एक प्लास्टिक का सीड चाहिए, तो मेरे पास एक प्लास्टिक का बैग है। हम इसे काट लेंगे, काटने से थोड़ा बड़ा साइज का हो जाएगा। अब हम प्लास्टिक के सीट को अच्छी तरह से फैला लेंगे। और हम चम्मच की सहायता से प्लास्टिक सीट पर घोल को डाल देंगे। 12 पापड़ बनाना है तो ज़्यादा घोल डालिए, छोटा पापड़ बनाना है तो कम घोल डालिए। घोल को गिराकर फैलाना नहीं है पापड़ को पतला करने के लिए। पापड़ सूख कर अपने आप पतला हो जाता है। और हम इसी तरह सारे पापड़ को बना लेंगे, थोड़ा घोल लेंगे और गिराते जाएंगे। और ये देखिए, मैंने सारा पापड़ बना लिया है और हम इसे सूखने देंगे। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, अगर धूप नहीं आता हो तो। ये देखिए, मैंने पापड़ को पूरे दिन धूप में सुखाने के लिए रखा था। और अब हमारा पापड़ सूख चुका है, हम इसे प्लास्टिक से निकाल लेंगे। और ये देखिए, कितना आराम से हमारा पापड़ निकल रहा है, एक भी पापड़ नहीं टूट रहा है। और इसी तरह से
हम सारे पापड़ को निकाल लेंगे। और अब हमारा सारा पापड़ निकल चुका है और कितना क्रंची हमारा पापड़ हुआ है। और आप इसे एयरटाइट डब्बा में भर कर साल भर तक रख सकते हैं, ये पापड़ खराब नहीं होगा। और जब आपको खाना है थोड़ा पापड़ निकालिए और तल कर खा लीजिए, तो है ना बिल्कुल आसान तरीका पापड़ बनाने का। चलिए मैं आपको पापड़ को तल कर दिखाती हूँ कि हमारा पापड़ तलने के बाद कैसा लग रहा है। तो पापड़ तलने के लिए हम एक कढ़ाई को गैस पर बैठा देंगे और इसमें तेल डालकर गर्म कर लेंगे। और अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पापड़ को डालकर तलेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पापड़ बनकर तैयार हो रहा है, बिल्कुल बाहर जैसा लग रहा है हमारा पापड़। और इसी तरह से सारे पापड़ को हम तल लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे पापड़ को तल लिया है, बिल्कुल टेम्पटिंग लग रहा है हमारा पापड़, देख कर मुँह में पानी आ रहा है। मैं आपको पापड़ की आवाज़ सुना रही हूँ, कितना क्रंची हमारा पापड़ बनकर तैयार हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि ये घर पर बनाया हुआ पापड़ है, लगता है कि हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, वैसा दिख रहा है। और इसका टेस्ट तो बाहर के पापड़ से कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। एक बार अब इसे ज़रूर बनाइए और खाइए, और खा कर हमें बताइए कि आपको हमारे आलू के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें मेरे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए फिर हम एक और नई रेसिपी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।